अभी तो जनता के हाथ में है, मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ तस्वीर नज़र आ रही है। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, हमारे कैडर में बेहद खुशी है और तालमेल बेहतरीन दिख रहा है। जिस तरह से कल बिहार की अलग से पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है अलग से राज्य होना चाहिए, इस पर कुछ आपका भी बयान आया था? नहीं, पुरानी डिमांड है, लगातार उठती आई है समय समय पे कि रीऑर्गेनाइज हो उत्तर प्रदेश, उसी संदर्भ में उन्होंने बात रखी है। लेकिन अभी कहीं वो लड़ाई में किसी भी सीट पे मुझे बीएसपी दिख नहीं रही। बागपत एक बहुत इम्पोर्टेंट सीट है आपके लिए, कल चुनाव है दूसरे चरण का, क्या कहेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ, अब मैं वोट की अपील नहीं कर सकता, हमारा प्रचार ख़त्म हो गया है। शांतिपूर्ण चुनाव हो, मतदान प्रतिशत बढ़े और बागपत की एक अपना एक इतिहास, लंबा इतिहास है। बागपत क्षेत्र प्रधानमंत्री का चयन करता आया है और देश के बड़े मुद्दों को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ सभी मतदाता निकल के आएँ और वोट करें। जैसे सैम पित्रोदा को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? हालांकि कांग्रेस ने पलड़ा झाड़ लिया है। देखिए, इनएफिशिएंट टैक्स है और हमारे यहाँ पहले जो है एस्टेट टैक्स था वो हटाया गया, जो सबसे गरीब वर्ग है ना वो टैक्स फिर भी नहीं देगा। जिन्हें टारगेट करने के लिए अगर ऐसे टैक्स पे हम विचार कर रहे हों तो सबसे अमीर वर्ग है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो फिर ट्रस्ट बना लेंगे, कंपनियों में संपत्ति रख लेंगे, उस हिसाब से अपने इनहेरिटेंस को डिज़ाइन कर लेंगे कि सरकार को टैक्स फिर भी नहीं मिलेगा और लाभ मिलना नहीं है देश को उससे। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड एफिशिएंट टैक्स हमारे देश में, इसलिए वो लागू नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने तो साफ इस पे अटैक किया है, कांग्रेस को मजबूर किया है और कांग्रेस की थिंकिंग क्लियर नहीं है। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, परसों कुछ और बोल रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं किसी तरह हमें वोट मिल जाए बस। क्या लगता है कन्नौज क्या कहेंगे इस पर? अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। कांग्रेस ने अभी तक अमेठी की सीट जो है वो डिक्लेयर नहीं की है, गुफ्तगु चल रही होगी, उम्मीदवार ढूंढ रहे होंगे, तलाशे जा रहे होंगे कि लड़ाई में कैसे आए हम। जयंत, ये बताइए, आखिरी आपकी लीगेसी है वो बहुत स्ट्रांग रही है, कितना रिक्लेम कर पाएंगे? वो अकेली मेरी विरासत नहीं है, वो लोगों की है, देश का हक उस पर बनता है और हमारे पुराने लोग, पार्टी के लोग खुश हो रहे हैं कि पार्टी का दायरा बढ़ रहा है। अब हम अपर हाउस में मैं हूँ, हमारे विधान परिषद उत्तर प्रदेश में सदस्य चुने गए हैं, राजस्थान में हम पहुँचे हैं, तो राजनीति बदलती रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि दोबारा वही राजनीति आ जाएगी, हम उसी अस्तित्व में आ जाएंगे, लेकिन हमारे अपनी एक अहमियत है विपक्ष में। हम जब